और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद बड़ी सियासी खबर के साथ। अब तक मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने के पहले नेताओं की तरफ से बयानबाजी का दौर जारी था, लेकिन अब चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, चुनौती दी जा रही है। बीजेपी के बड़े नेता प्रभात झा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चैलेंज दिया है और वो चैलेंज ये दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों में से किसी भी एक सीट पर कमलनाथ आकर घोषणा करे कि कांग्रेस इस सीट पर जीत रही है, कमलनाथ को मेरी चुनौती। सुनाते हैं आपको क्या चैलेंज कमलनाथ को प्रभात झा ने दिया है। और मैं तो आपके माध्यम से एक सवाल करता हूं कमलनाथ जी से, वो 28 में से एक सीट आकर घोषणा कर दे कहीं पर भी कि ये हम सर्दिया जीत रहे हैं, प्रभात झा को चुनौती है, एक सीट 28 में से कोई है। और मैं तो आपके माध्यम से एक सवाल करता हूं कमलनाथ जी से, वो 28 में से एक सीट आकर घोषणा कर दे कहीं पर भी कि ये हम सर्दिया जीत रहे हैं, प्रभात झा को चुनौती है, एक सीट 28 में से कोई है। तो सुना आपने, बड़ा बयान, बड़ी चुनौती प्रभात झा की कमलनाथ को कि प्रभात झा तुम्हें चुनौती दे रहा है, 28 में से एक सीट पर कमलनाथ आके बता दे कि इस सीट पर हमारी जीत पक्की है, कांग्रेस की जीत पक्की है। अब प्रभात झा के इस चैलेंज को कमलनाथ या कांग्रेस पार्टी किस तरह से स्वीकार करती है ये जरूर देखना होगा, लेकिन एक बात साफ है कि अगर हम प्रभात झा के इस चैलेंज को या इस बड़े बयान का अगर हम कोई विश्लेषण करें, मायने निकालें, तो ये साफ संकेत मिल रहे हैं बीजेपी आश्वासित है कि 28 सीटों पर बीजेपी की जीत हो रही है। फिलहाल हम रुक करेंगे, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर हितेश सर, प्रभात झा एक बड़ा चैलेंज दे रहे हैं कमलनाथ को कि 28 सीटों में से किसी भी एक सीट पर कमलनाथ आकर घोषणा करे कि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, क्या हम मायने निकाले कि बीजेपी अब सभी 28 सीटों पर जीत रही है, कांग्रेस को बड़ा चैलेंज? देखिए प्रभात जी हमारे बहुत जमीनी नेता हैं और यदि आप राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो वो कमलनाथ जी से भी सीनियर हैं। जितना प्रभात जी घूमे होंगे सभी जिलों में, मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी उस स्तर पे जाके कभी घूमे होंगे, क्योंकि अभी पता नहीं वो कांग्रेस के अध्यक्ष है कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कमलनाथ जी, लेकिन वो जैसे अध्यक्ष हैं हम सब लोग जानते हैं कैसे अध्यक्ष हैं जी। मैं लौटूंगा आपके पास डॉक्टर हितेश। हमारे साथ इस वक्त सैयद जाफर साहब भी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। सैयद जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी तो बने हैं हमारे साथ, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी है, लेकिन ये बड़ी चुनौती कमलनाथ को प्रभात झा दे रहे हैं, क्या कमलनाथ स्वीकार करेंगे चुनौती 28 में से किसी भी एक सीट पर जाकर यह नाल करने की कि हम यहाँ पर जीत रहे हैं? प्रभात झा जी एक वरिष्ठ नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। और अभी हितेश वाजपेयी जी उनकी तुलना कमलनाथ जी से कर रहे थे, जो पार्षद का चुनाव नहीं जीता, जो 40 साल से छिंदवाड़ा से सांसद और एक तरफा चुनाव जीत रहा है, जिसने छिंदवाड़ा मॉडल के नाम पर पूरे देश में विकास की नई इबारत लिख के दी है, जहां पर उद्योग के नाम पर और जहां पर रोजगार के नाम पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध हैं, ये भाजपा सरकार की वेबसाइट बोलती है, वो ऐसे व्यक्ति की तुलना उन प्रभात झा जी से कर रहे हैं जिनका कोई दीन और ईमान ही नहीं है। जब आज से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में थे, तो ये प्रभात झा को आज जी को मैं सुबह याद कर रहा था कि ये कह रहे थे कि शिवपुरी में 650 बीघा जमीन सिंधिया जी ने हड़प लिए है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। तो हितेश वाजपेयी जी बड़े डॉक्टर हैं, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मेरा निवेदन है पहले आप डॉक्टर हितेश जी से वो जो उन्होंने 650 एकड़ जमीन के आरोप लगाए, मैं जवाब ले लेता हूं, जनता को लेना देना है जी, और मैं जवाब ले लेता हूं। 28 सीट की जनता आपको बताई देगी कि 28 में से 27 सीट वैसे ही कांग्रेस के पास पहले थी। पर सैयद जाफर साहब ये तो बताइए, चुनौती स्वीकार करेंगे कमलनाथ? क्यों करेंगे, ऐसे लोगों की क्या चुनौती स्वीकार करेंगे जिसका कोई दीन ईमान ही नहीं है, जो 650 बीघा जमीन का आरोप लगाकर, मैं जवाब ले लेता हूं, गद्दार कहकर। ठीक मैं लौटूंगा, समय की कमी है, मैं लौटूंगा आपके पास सैयद जाफर साहब, अपना ठीक मैं जवाब ले लेता हूं डॉक्टर हितेश। देखिए एक लाइन का जवाब है कि आपको आपका जवाब नहीं मिला, मतलब वो चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रख रहे, पलायनवादी नेता है, दिल्ली के नेता है, अब देखो बीच बीच में कूदने लगे। अरे भाई प्रभात जी चुनौती दे रहे हैं कमलनाथ जी को, तो चुनौती का जवाब कहाँ से आएगा, कमलनाथ जी से आएगा, बाकी इधर उधर की क्या बात करना है, पार्षद का चुनाव कौन सा है, सैयद जाफर साहब का भी लड़े किससे कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या कमलनाथ जी से जवाब आएगा तो। और कमलनाथ जी की मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, भाई वो जमीन के नेता ही नहीं है, वो पैराशूट लीडर है दिल्ली के, उनने कभी जमीन देखी है क्या? अभी जो है जुम्मा आप देखिए कि
सर प्रभात झा की बात आप इसलिए नहीं करो कि अभी आप उनको जानते नहीं हो, क्योंकि तो अभी आप भी छिंदवाड़ा से निकले हो, अभी थोड़े दिन आप घूमेंगे, आप लड़े हो कभी पार्षद का चुनाव क्या? आप लड़े हो पार्षद का चुनाव कभी? छोड़ो ना बात को, चलिए चलिए। और देखिए मुद्दे की बात यह है कि कमलनाथ का जवाब अभी तक नहीं आया। चलिए ये डॉक्टर नितेश इंतजार रहेगा, कमलनाथ की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। हमने लेकिन जरूर कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर साहब से जानने की कोशिश की, और ये जाहिर है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले भी चल रहा था, अभी भी चलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बहरहाल हमसे बातचीत करने के लिए, इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, अब तक उपचुनाव के पहले एक तरफ जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, लेकिन अब चैलेंजेस भी दिए जा रहे हैं, चुनौती दी जा रही है, और ये प्रभात झा ने एक चुनौती दी है कमलनाथ को। लेकिन ये देखना होगा कि क्या कमलनाथ इस पर कोई टिप्पणी करते हैं, क्या इस पर कोई जवाब देते हैं। कमलनाथ की इस प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।